रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहुत ही प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, जहाँ पे भी रहें। इस प्यारी सी दुआ के साथ रमज़ान करीम की एक और मज़ेदार सी रेसिपी जिसका नाम है काठियावाड़ी छोले, कराची के मशहूर तरीन काठियावाड़ी छोले, जिसको बनाना नहायत ही आसान है। गर्म गर्म आप इसको सर्व करिए, आपकी तारीफ़ें करते करते लोग थकेंगे नहीं। बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी किस तरह से बनाई गई है ये जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ किचन क्लोजअप में। अच्छा लगे तो आपने क्या काम करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ काठियावाड़ी छोले, कराची के मशहूर काठियावाड़ी छोले किस तरह से बनाए जाते हैं। सबसे पहले मैंने चने लिए थे आधा किलो, इसको मैंने थोड़ा सा सोडा डाल के अच्छे से भिगो दिया था। फिर उसके बाद मैंने इसको उबाल लिए थे, देखें कितना अच्छे से उबल चुके हैं। थोड़ा सा नमक भी साथ डाल दीजिएगा और थोड़ा सा इसका पानी भी हमने रिमेनिंग में रखना है। चलें अब इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है उस तरफ चलते हैं। ये देखिए हाफ टी स्पून के लगभग हमने जर्दे का रंग इसके अंदर डाल देना है, जिससे इसका कलर बड़ा ज़बरदस्त आएगा। और इसके साथ साथ थोड़ा सा मैं इसमें नमक भी ऐड कर देती हूँ। अब इसको हमने दोबारा से चूल्हे पे रख देना है कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए। एक तरफ तो हमारे चने अच्छे से उबल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमने क्या करने, चाट के लवाजमात रेडी कर लेने। सबसे पहले एक दरमियाने साइज की प्याज ली थी, उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और पील ऑफ कर लिया। अब इसको पानी के अंदर ही रखना है ताकि जो प्याज की तेजी है वो खत्म हो जाए। अब हम इसको इस तरह करके कट कर लेते हैं। चलें प्याज काट लेने के बाद उसी में हमने टमाटर भी काट लेने। चलें थोड़े से मिंट लीव्स लिए, वो भी इसी के अंदर हम काट के डाल देंगे। 3 से 4 मिनट हो गए, मैंने इसको लिड लगा के रखा हुआ था। ये देखें कितने अच्छे से चने हमारे खूब अच्छे से गर्म हो गए, ये देखिए। और अगर जैसे आप उसी टाइम चने पका रहे हैं यानी कि उबाल रहे हैं, पहले तो आप भिगो दें, फिर इसके अंदर नमक और थोड़ा सा फूड कलर डाल के सोडा डाल के इसको गलने रख दीजिए, तो वही आपके लिए इजीली इसका पानी भी बन जाएगा और हमारे चने भी अच्छे से गल जाएंगे। लेकिन टाइम की कमी की वजह से इसलिए मैंने चने पहले से गला लिए थे। अब इसको हमने हल्का हल्का सा चम्मच की मदद से इस तरह करके ये देखिए मैश कर लेना। जबरदस्त से चने हमारे पक गए हैं और इसकी कंसिस्टेंसी आप देखें इस तरह होनी चाहिए, थोड़ी सी लिक्विडी सी। और ये देखें चने भी साबुत साबुत और घुटे हुए भी चने हमारे इसके अंदर शामिल है। अब हमने क्या करना है, चूल्हे को बंद कर दें। चलें ये देखें, एक तो इस चने को इसी तरह हमने गर्मा गर्म सर्व करना होता है। गर्म गर्म आप इसको रखिए प्लेट के अंदर। इसको गर्मा गर्म इसी तरह करके सर्व करें। और ये देखिए मैंने आलू उबाले हुए थे अलग से, हमने सारी चीजें रख लेनी है। इस तरह करके थोड़े से आलू डाल दिए, प्याज, टमाटर, पुदीना, हरी मिर्चें, जो जो चीजें आपको पसंद है वो डाल दी। इसके साथ साथ थोड़ी सी पापड़ी ली हुई थी मैंने, वो डाल देंगे इसके ऊपर। थोड़ा सा इसमें आपने अपने टेस्ट के मुताबिक सारी चीजें अलग रखें, जिसने डालने हैं जितनी चीजें टेस्ट के मुताबिक। इसके अंदर हम चाट मसाला डालेंगे और इमली, जो हमने इमली की चटनी मजेदार सी बनाई हुई है, इससे तो इसका मजा और दुबाला हो जाना है, वो इसके ऊपर इस तरह करके डाल दें। आपने कितने झटपट से हमारे काठियावाड़ी छोले खाने के लिए तैयार हो चुके, और आपने ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करने, शेयर करने, सब्सक्राइब करने, बेल आइकन को प्रेस करने, ताकि आप फ्री में वीडियो को एंजॉय कर सकें। चलें आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, रमज़ान करीम की दुआ में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।